व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं रेडमी नोट 13 5G हमारे पास फ़ोन है। और आज मॉर्निंग में इसमें एक अपडेट आया है जो ऊपर आपको शो किया होगा। वैसे वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेडमी नोट 13 के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमारे आने वाले हैं अपकमिंग। तो अभी जो वर्जन चल रहा था वो था 14.0.7, लेकिन नया अपडेट के बाद इसमें जो वर्ज़न चलेगा 14.0.9.0। और ये जो है 163 MB का है। और इसमें सिक्योरिटी अपडेट के अलावा कुछ नहीं आया है। देख सकते हैं अप्रैल का सिक्योरिटी अपडेट आया है और सिस्टम अपडेट इंक्रीज़ किया गया है। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है, सब कुछ वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए इसको करते हैं अपडेट और देखते हैं क्या इसके बाद हाइपर ओएस हमें मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया में ऑफिशियल जो आया है अपडेट यही आया है। तो आपके फ़ोन में कौन सा अपडेट है और रेडमी नोट 13 5G आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ तक हो चुका है, तो इसको रिबूट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। वैसे वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको बताएंगे कि कुछ नई फीचर्स आएगी तो वो भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और इसका सिक्योरिटी लेवल जो है अप्रैल का बोला जा रहा है कि अप्रैल का होगा, तो अप्रैल का होगा या मई का होगा वो तो देखने की बात है। लेकिन सिस्टम यहाँ पर ऑन हो चुका है अभी और देखते हैं कि कितने देर में होता है। जब होता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपडेट हो चुका है और वॉलपेपर जो है एकदम न्यू वाला जो था वही आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोन भैया किस तरह से वर्क करता है। वैसे ये वाला हमने लगाया था तो ये वर्क कर रहा अभी भी, लेकिन वहाँ पर जो था वो अलग आया था। तो यहाँ पर फ़ोन अपडेट हो चुका और ये फ़ोन का डिस्प्ले इतना बड़ा लगता है ना कि देखने में ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम अपने सेटिंग में और देखते हैं कि कितने देर में क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर ही दिख रहा है और थोड़ा सा मेन्यू का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिस हिसाब से जो अपडेट आ गया है वो देखिए 14.0.9.0। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, सिक्योरिटी अपडेट। तो सिक्योरिटी चेक करते हैं जाकर कि भैया क्या है। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन जो है अभी भी 13 पे है। सिक्योरिटी अपडेट जो है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट जो है 1 अप्रैल का यहाँ पर कर दिया गया है। देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 का कर दिया गया है, बाकी पहले के जैसा है। लेकिन जब भी आप अपडेट करें फ़ोन को तो एक काम ज़रूर करिएगा, यहाँ पर जाइएगा सिक्योरिटी स्टेटस में। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए गूगल प्ले सिस्टम अपडेट ये वाला जो है, इसको भी आप एक बार चेकआउट करके इसको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे एक आया है अपडेट, तो इसको हम अपडेट करेंगे क्योंकि ये सर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है, मतलब गूगल प्ले का जो भी सिस्टम अपडेट है वो आएगा। तो जैसे आया हुआ है तो इसको भी डाउनलोड हम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें कब का मिलेगा, ये अप्रैल का मिलेगा या मई का मिलेगा, इसमें सिक्योरिटी अपडेट वो चीज़ देख लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई नया फीचर्स आया है इसमें, लेकिन हम चेक आउट कर लेते हैं और कुछ भी हमको मिलेगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद रिस्टार्ट नाउ ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं। वैसे हम अभी थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी वगैरह पहले के जैसा है या फिर कोई चेंजेस आया है। और इसका डिस्प्ले कैमरा भी देख लेते हैं कि भैया कोई चेंजेस आया है या वही है पहले जैसा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम 1 मई 2024 का आ चुका है, जो काफ़ी कमाल की बात है। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने फ़ोन में करके रखिएगा, ठीक है। तो इसका एक डिटेल रिव्यू आएगा, वैसे हम कैमरा देख लेते हैं। तो कैमरा अभी तक का यहाँ पर मस्त चल रहा है, देख सकते हैं हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बैक कैमरा जो है वो भी सही चल रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा नया फीचर्स देखने को अभी तक नहीं मिली है, अगर मिलता तो हम आपको ज़रूर देंगे। इसका डिटेल रिव्यू एक आएगा कि जिसमें हम एंटूटू बेंचमार्क स्कोर, थ्रॉटल टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ लेकर आएंगे। तो वो चीज़ के लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। साउंड क्वालिटी हम सुन लेते हैं ताकि भैया आपको पता चले कि साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। और डॉल्बी एटमॉस यहीं पर से ऑन हो जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एक सॉन्ग देखते हैं बजा कर के किस तरह से बज रहा है, साउंड क्वालिटी में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आई है। तो हम इसको चालू कर लिए हैं। तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर ज़बरदस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, साउंड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है यहाँ पर। और यहाँ पर ये तो हमने चेक कर लिया है, उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि 5G पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, अपडेट के बाद कोई इशू वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए 5G प्लस जो काफ़ी अच्छी बात है, देखिए यहाँ पर 5G प्लस आपको दिख रहा है, मतलब ये जो है कैरियर एग्रीगेशन 5G प्लस सपोर्ट करता है।
तो इस तरह का कुछ है। तो यही और सारी चीज़ है इस फ़ोन में के अपडेट के बाद भी यहाँ पर नेटवर्क वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिला। तो नेक्स्ट अपडेट जो नेक्स्ट बार जो वीडियो आएगा उसमें हम इसका एंटूडो बेंचमार्क इसको टेस्ट कराएंगे, थ्रॉटल कराएंगे और बहुत सारी चीज़ और कुछ नई फीचर्स होगी तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज अपडेट आया तो मेन मेन पॉइंट हमने बता दिया कि इस फ़ोन का क्या है नहीं है और क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर ये अपडेट आपको नहीं मिल रहा है तो OTA के थ्रू कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे हम आपको बता देते। अगर आपका ये फ़ोन अपडेट नहीं हुआ है मतलब अपडेट नहीं आया है तो आप OTA थ्रू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आना है, वहाँ पर ये वाला हम दे देंगे। देखिए एंड्रॉयड 13 5G का यहाँ पर जो अपडेट आया है, देखिए 14.0.9.0, इसको कुछ नहीं करना है। और हाइपर फाइल यहाँ पर जो है रिकवरी रोम है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे ये वाला जो है ओपन हो जाएगा। ये वाला जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में इस तरह से आना है। सेटिंग में आने के बाद अबाउट फ़ोन में आना है, वर्जन नंबर में आना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर चूज़ अपडेट पैकेज में जाना है और जो वहाँ पर आपने अपडेट किया हुआ है यहाँ पर दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर आके डाउनलोड में आना, डाउनलोड में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आइए यहाँ पर, आप पहुँच जाएंगे। देखिए टेक बॉक्स हमारा चैनल का नाम है तो आप यहाँ पर आइए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारे APK फाइल और बहुत सारी चीज़ हम देते रहते हैं तो उसके लिए स्टडी ऑन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।